नमस्कार दोस्तों, आशु जी के ट्रिक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत का एक ऐसा टॉपिक जिसमें कि मध्यकालीन भारत के जो पहले नींव करता थे कुतुबुद्दीन ऐबक, यानी जो गुलाम वंश था, उसके बारे में आपको बता दूं कि मध्यकालीन भारत में कुल 5 राजवंश हुए थे। सल्तनत काल में कितने हुए थे? 5। जो हमारा अंगूठा है ये सभी का गुलाम है। क्या है? गुलाम। तो इसको बोलते हैं गुलाम वंश। हम बैठे बैठे खुजली करते हैं तो इसी से याद करना है, खिलजी वंश, तैसे तीसरी, तैसे तुगलक वंश, और सभी का साथ देती है ये उंगली, तो इसे बोलेंगे सैयद वंश, और सबसे छोटा है लोदी वंश। तो हम शुरुआत कर रहे हैं गुलाम वंश की, मध्यकालीन भारत सल्तनत काल। तो शुरू करते हैं मध्यकालीन भारत, और इसी के दो पार्ट होते हैं। एक जो भाग है उसमें हम पढ़ते हैं सल्तनत काल, सल्तनत काल, और दूसरा जो भाग है उसमें पढ़ते हैं मुगल काल, मुगल काल। सल्तनत काल का जो पहला वंश है उसे बोलते हैं गुलाम वंश, गुलाम वंश। दूसरा जो भाग है उसे बोलेंगे खिलजी वंश। तीसरा जो है तुगलक वंश। चौथा सैयद वंश, और पांचवा है लोदी वंश। अब सल्तनत काल और मध्यकालीन भारत, इसमें हम बात करें सल्तनत काल की, तो ये 1206 से शुरू हुआ था और 1526 तक चला था। मुगल काल 1526 से लेकर औरंगजेब तक पढ़ना है, 1707 तक। तो अब इसका जो राजवंश किस समय तक, कहां तक रहा, उसके लिए हम बात करते हैं गुलाम वंश। 1206 से शुरू हुआ, तो दोस्तों इसी को आप उल्टा कर दीजिए, 1200 है इसको इधर ले जाओ, और जो 6 है ये आपका 9 है, तो ये क्या हो जाएगा 1290 तक। फिर मैंने कहा इस प्रकार बैठे बैठे हम खुजली करते हैं, खुजली चली थी 30 साल तक, खुजली चली थी 30 साल तक, तो 1290 से 1320। फिर तुगलक वंश 1320 से 1414। लोदी वंश समाप्त कहां पर होता है? 1526 पर। यह 1414 यहां लिख दो, और यह चला था 1451 तक, फिर 1451 को यहां लिख दीजिए। आप सिर्फ ये एक तारीख याद रख लीजिए, बाकी सभी याद हो जाएगी। 1206 से शुरुआत, 1206 को हमने उल्टा करके 1290 कर दिया। खुजली चली थी 30 साल तक, 1290 से 1320 तक। फिर 1320 से 1414, 1414 से 1451, 1451 से 1526। और इनसे पहले भारत पर पहले अरब आक्रमण हुए, फिर तुर्क आक्रमण हुए, फिर गोरी साम्राज्य द्वारा आक्रमण किए गए। मोहम्मद गोरी का ही गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसने गुलाम वंश की नींव रखी थी। तो बात करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक की, एक ही लाइन में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, आप पूरा वीडियो ध्यान से देखें। अब हम बात करें पहले इस शासक की, तो उसका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक, जो 1206 से लेकर 1210 तक शासन करता है। तो 1206 से 1210 के बीच की बात करता हूं मैं, एक लाइन आप याद कीजिए, ट्रिक लिख रहा हूं मैं, गुलाम लोहा से चाकू है ढाल बना, गुलाम लोहा से चाकू है ढाल बना, ठीक है। तो ये जो ट्रिक है इसी के अंदर पूरा कुतुबुद्दीन ऐबक है, कुछ बातें हमें अलग से याद करनी है, तो सुनिए आप। सबसे पहले वो गुलाम था, सबसे पहले वो गुलाम था किसका? मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का, मोहम्मद गोरी का गुलाम था। उसके बाद बात करें ला से, लाहौर को राजधानी बनाया, लाहौर को राजधानी बनाया। मैं से, कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ना ही उसने अपने नाम के सिक्के चलाए, ना उसने खुतबा पढ़ा, और उसने मलिक व
सिपह सालार की उपाधि धारण की, मलिक वह सिपह सालार की उपाधि धारण की। फिर ला से बात करें तो उसको लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी, लाख बख्श यानी उदारता, उदारता व दानशीलता के कारण, दानशीलता के कारण यानी वो बहुत ज्यादा उदार प्रवृत्ति का था, अत्यधिक दान किया करता था, इस कारण उसको लाख बख्श की उपाधि प्राप्त थी। फिर हा से हातिम द्वितीय कहा जाता था, हातिम द्वितीय कहा जाता था। चा से बात करें तो याद करना, चौगान खेलते समय, चौगान यानी पोलो, चौगान यानी पोलो खेलते समय 1210 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कु से बात करें, इधर कु से इसने बनाई थी कुवत उल इस्लाम मस्जिद, यह भारत की पहली मस्जिद थी, कुवत उल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में बनाई गई थी जो भारत की पहली मस्जिद थी। फिर कु से दूसरी बात याद कीजिए, कुरान खां, कुरान खां की उपाधि प्राप्त थी, कुरान खां की उपाधि प्राप्त थी। कुरान खां की उपाधि इसलिए प्राप्त थी कि जो कुरान थी उसका यह अत्यधिक सुरीली आवाज में गायन किया करता था कुरान का। और फिर कु से याद कीजिए, कुतुब मीनार, कुतुब मीनार जो दिल्ली में है इसका इसने निर्माण करवाया था जो एक सूफी संत थे ख्वाजा बख्तियार काकी, किसकी याद में, ख्वाजा बख्तियार काकी की याद में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, लेकिन इसकी मृत्यु होने के कारण इसका निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था, इल्तुतमिश ने पूरा करवाया था। इल्तुतमिश के बारे में बताऊंगा मैं आपको। जो कुतुब मीनार है पहले इसका प्रयोग अजान के रूप में किया जाता था कि जब अजान पढ़नी होती थी तो इसमें इसका कुतुब मीनार का प्रयोग किया जाता था। फिर ढा से याद कीजिए, ढाई दिन का झोंपड़ा, ढाई दिन का झोंपड़ा, ढाई दिन का जो झोंपड़ा है यह भी एक मस्जिद है, क्या है, मस्जिद है। ढाई दिन का झोंपड़ा अजमेर में है, अजमेर में, यहां पर पहले एक संस्कृत पाठशाला हुआ करती थी, संस्कृत पाठशाला, उस संस्कृत पाठशाला को विग्रहराज चतुर्थ ने क्या किया कि संस्कृत पाठशाला को संस्कृत पाठशाला विग्रहराज चतुर्थ जो अजमेर के चौहान वंश के राजा थे उन्होंने संस्कृत पाठशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक आता है और उसको तहस नहस कर देता है, वहां ढाई दिन का झोंपड़ा बनाता है जो 16 खंभों युक्त है, 16 खंभों युक्त है, मस्जिद है। और यहीं पर सर्वप्रथम फारसी अभिलेख लिखवाए गए, फारसी अभिलेख, सबसे पहले फारसी अभिलेख की जानकारी हमें ढाई दिन के झोंपड़े से प्राप्त होती है। तो ये जो बातें एक लाइन से याद होने वाली थी वो मैंने लिख दी, अब कुछ बातें कुतुबुद्दीन ऐबक की जो शुरुआती बातें हैं उनके बारे में हम याद करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, और उतार सकते हो। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक है, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, ऐबक का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा का स्वामी, ऐबक का अर्थ होता है चंद्रमा का स्वामी, यानी इसके जो माता पिता थे वो तुर्किस्तान के तुर्क थे। और हबीबुल्ला ने, हबीबुल्ला जो इतिहासकार हैं, हबीबुल्ला, उन्होंने इसे मामलूक कहा है, मामलूक कहा है इनको, मामलूक का अर्थ होता है स्वतंत्र माता पिता से उत्पन्न संतान, उत्पन्न संतान। अब कुतुबुद्दीन ऐबक के विवाह की बात करें तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने ताजुद्दीन, ताजुद्दीन यल्दोज की पुत्री से विवाह किया, ताजुद्दीन यल्दोज की पुत्री से विवाह किया, विवाह किया। कुतुबुद्दीन ऐबक के जो बहन थी,
बहन का विवाह इसने नासिरुद्दीन कुबाचा नासिरुद्दीन कुबाचा के साथ किया, और इसके खुद की जो पुत्री थी उसका विवाह इसने इल्तुतमिश के साथ किया, इल्तुतमिश के साथ किया, और इल्तुतमिश को अमीर ए शिकार का पद दिया, अमीर ए शिकार का पद दिया। अपनी बहन का विवाह नासिरुद्दीन कुबाचा वह पुत्री का विवाह इल्तुतमिश के साथ किया और उसे अमीर ए शिकार का पद दिया, और ये दोनों ही या ताजुद्दीन यल्दौज और नासिरुद्दीन कुबाजा भी मोहम्मद गोरी के ही गुलाम हुआ करते थे। इल्तुतमिश को इसने 1197 ईस्वी में अनहलवाड़ का जो युद्ध हुआ था, उस युद्ध में इसने खरीदा था और उसी गुलाम को इसने अपना दामाद बनाया। फिर बात करें कुतुबुद्दीन ऐबक के समय मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी यह एक व्यक्ति था जिसने क्या किया कि बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया। ठीक है, मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने कहां पर आक्रमण किया? बंगाल और बिहार पर आक्रमण किया। जो बंगाल था, बंगाल पर यहां पाल वंश का शासन था, और यहां के जो राजा थे उनका नाम था लक्ष्मण सेन। यहां की जो राजधानी थी उसका नाम था नदिया, लेकिन बख्तियार खिलजी ने उस नदिया के स्थान पर राजधानी बना दी लखनौती को। और इसने नालंदा विश्वविद्यालय वहां पर हजारों पांडुलिपियों को जलाकर नष्ट कर दिया था। फिर एक व्यक्ति था अली मर्दान खां, इसने बख्तियार खिलजी की हत्या कर दी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक जो चौगान खेलते समय 1210 में उसकी मृत्यु हो जाती है, तब इल्तुतमिश गुलाम वंश का दूसरा शासक बनता है। एक बार दोबारा मैं कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में रिपीट कर देता हूं। मोहम्मद गोरी का गुलाम था, 1192 ईस्वी में जो तराइन का दूसरा युद्ध हुआ वहां पर कुतुबुद्दीन ऐबक को भारतीय जो प्रदेश थे उनका सूबेदार नियुक्त किया गया। उसके बाद इसने उसकी गुलाम वंश की नींव रखी। निजामपुर के काजी फकरुद्दीन, उन्होंने इनको खरीदा था, फकरुद्दीन ने खरीदा था। कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की, ना ही अपने नाम का खुतबा पढ़ा, ना ही सिक्के चलाए, इसने मलिक व सिपह सलार की उपाधि धारण की। आपको तो एक लाइन याद रखनी है, गुलाम लोहा से चाकू व ढाल बना। ठीक है, उसके बाद में ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी। इन्हें हबीबुल्लाह ने क्या कहा है? मामलुक। और बात करते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में इल्तुतमिश के बारे में। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा? बहुत दिनों बाद आना हुआ था, क्योंकि समय तो आपको पता है मिलता नहीं है, तो शेयर करके और कमेंट करके ज़रूर बताएं ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूं। धन्यवाद दोस्तों।